आसमान में कोई हलचल नहीं दिख रही। कॉम लिंक पर भी बातें नहीं हो रही और कोई ग्राउंड एक्टिविटी भी नहीं है। हर जगह इतनी शांति क्यों है? अब क्योंकि डिसेप्टिकॉन्स को प्टेरिकॉन की हड्डियां या अर्थ की टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, वो सभी शांत बैठे हुए हैं। तो जब तक मेगाट्रॉन कुछ नहीं करता, हमें यूं ही बैठे रहना होगा। रैचेट को लगता है कि उसका बनाया हुआ हाथ मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन असल में मालूम है क्या ठीक नहीं है। हार मानना, हमें इन हालात में पुराना तरीका आजमाना होगा। टीम्स में अलग होकर खोजबीन शुरू करते हैं। हमला होने वाला है, वो इसी तरफ आ रहे हैं। सभी हैंगर ई पर जमकर हमला करना। जवाबी हमला नहीं कर रहे फिलहाल। लॉर्ड मेगाट्रॉन, आपको जानकर खुशी होगी कि हमने ऑटोबॉट फेस को मिट्टी में मिला दिया है। हमारा भी यही हाल हो सकता था। खुशकिस्मती से सिर्फ नया पेंट करवाने से डिसेप्टिकॉन्स हमारे झांसे में आ गए। मुझे लगता है कि तुम्हें इस पूरी शिप के इक्विपमेंट्स को देखकर बड़ा अच्छा लगेगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा? तुम मॉलिक्यूलर मास्किंग फील्ड को जरूर देखना चाहोगे। तुम्हारा क्लोकिंग डिवाइस, सिर्फ शील्डिंग ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर शायद तुम्हें एनर्जॉन ट्रांसफ्यूजन कैपेसिटर देखने में दिलचस्पी हो, जिसकी मदद से हम 1000 गुना कम एनर्जॉन खर्च कर पाते हैं। डिसेप्टिकॉन इंजीनियरिंग हमेशा आगे रही है। डॉक्टर, भले हम जानी दुश्मन हैं, लेकिन ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स का मकसद एक ही है। हम अपने बर्बाद हुए प्लैनेट को फिर से पहले जैसा देखना चाहते हैं। सही कहा ना? मेगाट्रॉन, तुम फिर से साइबरट्रॉन पर कब्जा जमाने की कोशिश करोगे और उन सभी को खत्म कर दोगे जो तुम्हारा साथ नहीं देगा। बिल्कुल यही करूंगा, और हमेशा की तरह तुम्हारे साथी मुझे रोकना चाहेंगे, लेकिन कम से कम हम हमारे अपने प्लैनेट के लिए लड़ रहे होंगे। फिर भी तुम हरकतों से बाज नहीं आओगे, है ना? हो ना हो, तुम्हारा अगला निशाना पृथ्वी ही है। इसकी क्या गारंटी है मेगाट्रॉन कि तुम इंसानों को कुछ नहीं करोगे और काम होने के बाद मुझे भी जिंदा रहने दोगे? कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि डिसेप्टिकॉन का किया हुआ कोई भी वादा कभी निभाया नहीं जाता। समझ गए? लेकिन इससे ये सच्चाई नहीं बदलती कि साइबरट्रॉन को दोबारा जिंदा करने की आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम हो। तो ये बच्चा लेजर बीक के ट्रांसपॉन्डर से कुछ पता लगा रहा है। तुमने बिल्कुल सही पुर्जे को निशाना बनाया। हमारे हिसाब से तुम ही एक हो जो रैचेट की गैर हाजिरी में कुछ कर सकते हो। ये वॉरशिप से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें कैसे पता? यहाँ लिखा है। रैस, ये तो साइबरट्रोनियन कोड है। रुको, पहले ये बम्बल बी की बातें समझता था, अब साइबरट्रोनियन भी पढ़ता है। मुझे तो शक है कि ये भी एलियन ही है। मैं इसे सीख रहा था। जब कभी भी
रैचेट को वक्त मिलता था तो वो मुझे सिखाया करता था। hey, रैफ, हम उसे वापस ले आएंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर ये भी सिग्नल भेज रहा है तो उनके ठिकाने का पता नहीं लग सकता। वॉरशिप शील्डेड होगी। अगर ट्रांसपॉन्डर लेजर बीक से जुड़ा होता तो उसका पीछा किया जा सकता था। फिर तो हमें उसे विंग्स देने चाहिए। हम मशीन शॉप के स्पेयर पार्ट्स यूज कर सकते हैं।